Hey, welcome back everyone. Major Anthony's back with another Clash of Clans video. आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Clash of Clans के एक और वीडियो में. तो इस वीडियो में मैं आपको यार जो भी बताने वाला हूं उस सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार मैं ऐसे ही वीडियोस हमेशा आपके लिए लाता रहूंगा. तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी अटैकिंग स्ट्रेटजी, उसके साथ-साथ ऐसी आर्मी जिसे आप किसी भी टाउन हॉल 9 के बेस पे 3 स्टार आसानी से मार सकते हैं. तो यार चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के. सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं आर्मी. तो आर्मी है ये, तो यानी कि 2 आर्चर्स, 13 जायंट्स, 4 वॉल ब्रेकर्स, 9 विजर्ड्स, 4 हीलर्स क्वीन वॉक के लिए, 1 हॉग क्लैन कासल के ट्रूप्स को बाहर निकालने के लिए, 6 वॉलकायरीज स्पेल्स में, 2 हील, 1 रेज, 1 जंप और 1 पॉइजन. तो ये है वो आर्मी जो हम यूज करेंगे आज के इस वीडियो में. मैं आपको जो रिप्ले दिखाऊंगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के. उससे पहले वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि क्या तुम भी ये अटैकिंग स्ट्रेटजी यूज करते हो आप लोग कि नहीं. तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो. तो गाइस ये है वो बेस जिस पे मैंने 3 स्टार मारा था, वही आर्मी यूज करके जिसकी मैं बात कर रहा हूं इस वक्त. तो ये एक टाउन हॉल 9 लगभग मैक्स है बिना मैक्स वॉल्स और एक्सबो के, लेकिन तब भी इसके ज्यादातर डिफेंसेस मैक्स हैं. तो मैंने इस पे अटैक किया और जो स्ट्रेटजी जिस हिसाब से मैंने इस पे अटैक किया और जो आर्मी थी उस सबको मिला के जब आप देखेंगे तब ये एक 3 स्टार अटैकिंग स्ट्रेटजी बनेगी. तो इसमें आपको जो सबसे मेन ध्यान देना होता है वो फनल का है. आपको एक फनल बनाना होगा, तो उसके लिए मैंने एक क्वीन वॉक की थी. तो मैं आपको एक एक पॉइंट उसमें दिखाता हूँ. तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा क्वीन वॉक से, जो कि मैंने यहाँ की. तो मेरा जो मेन मोटिव था क्वीन वॉक को यहाँ से स्टार्ट करने का वो ये था ताकि मैं अपने जायंट को इधर से, यानी कि यहाँ इस साइड से स्टार्ट करूँ और फिर वो पूरा एक फनल बन जाए. तो अब मैंने देखिए यहाँ से स्टार्ट की क्वीन वॉक, और जब यहाँ पर क्वीन थोड़ा बहुत क्लियर कर देगी तो मैं थोड़े बैकअप ट्रूप्स, जैसे कि यहाँ मैंने एक विजर्ड और एक आर्चर डाला. तो ऐसे ही जब पूरा थोड़ा क्लियर हो जाए तो क्वीन को अंदर भेजने का भी रास्ता, यानी कि वॉल ब्रेकर्स छोड़ दीजिए ताकि क्वीन अंदर जाके और भी चीज़ों को क्लियर कर सके. तो ऊपर भी थोड़ी बिल्डिंग्स के लिए आर्चर्स और विजर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं. तो अब आगे जब और बढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा के दिखाता हूँ. तो अब मैं यहाँ पे अपने जायंट्स छोड़ूंगा क्योंकि क्वीन आ गई है अंदर. तो देखिए यहाँ पे अब मेरे जायंट्स इधर से आ गए. तो मेन जो मोटिव, जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ से जायंट छोड़ने का था वो ये है कि इधर की साइड क्लियर हो चुकी है और इधर की भी जब क्लियर हो जाएगी तो वो एक फनल बन जाएगा और बीच में जंप स्पेल. आप जंप स्पेल चाहें तो यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो ना कर सकते हैं, क्योंकि जंप स्पेल मोस्टली मैंने वॉलकैरीज के लिए यूज़ किया था. तो आप वो आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज़ करते हैं. वॉलकैरीज भी मैंने डाल दी और यहाँ पे सब कुछ जब बीच में रहे तो आप एक रेज स्पेल उस पर डाल सकते हैं. यहाँ पे हीलिंग स्पेल मैंने ज़्यादा लिया क्योंकि कभी कभी हीलिंग स्पेल का काम रेज से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जायंट्स के ऊपर जब विजार्ड स्प्लैश डैमेज करते हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जायंट्स के लिए. तो यहाँ पे क्वीन देखिए अब तक उसकी फुल हेल्थ है, लेवल 20 क्वीन है. क्वीन वॉक के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो क्वीन वॉक जो स्टार्टिंग है वो आप लेवल 10 से कर सकते हैं. लेवल 10 से पहले क्वीन वॉक उतनी पावरफुल नहीं होती, लेकिन तब भी अगर लेवल 9 है तब भी आप कर सकते हैं. मेरे पास एक अकाउंट है, मैं उस पे लेवल 9 की क्वीन से ही क्वीन वॉक करता हूँ और रेज स्पेल लेके जाता हूँ. तो जब भी मुझे नीड होती है तो मैं रेज स्पेल यूज़ कर लेता हूँ और मैं अपना अटैक अच्छा कर लेता हूँ. तो यहाँ देख सकते हैं आप नीचे, यहाँ पे मैंने किंग की एबिलिटी यूज़ कर ली है और उसके कुछ डिफेंसेस अपग्रेड हो रहे थे जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे आसानी हुई. थोड़ा गेम लैग हो रहा है क्योंकि मेरा स्टोरेज थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे बस ये था रिप्ले का एंड. तो यार ये स्ट्रेटजी जो यूज़ की जाती है इसमें का जो मेन की पॉइंट होता है, मतलब कि जिस चीज़ से आप जीत सकते हैं कोई भी अटैक, वो है फनलिंग. अगर आपने सही फनल बना लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं. ये एक डेफिनेट चीज़ है, अगर फनल आपने सही बनाया तो आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी अटैकिंग स्ट्रेटजी से. मेन फनल, तो इसमें भी मैंने वही किया, मैंने अच्छा फनल बनाया था. अब जैसे यहाँ पे आप मैंने लालून का भी है, उसमें भी यही होता है,
फनल बनाया जाता है, फनल जहाँ पे भी आपका सही बन गया, टाउन हॉल 9 पे भी ये होता है, टाउन हॉल 8 पे भी, 8 पे भी जब ड्रैगन अटैक किया जाता है तो फनल बनाया जाता है। तो वही स्ट्रैटेजी हर जगह यूज़ होती है, वही चीज़ें हर जगह यूज़ होती है, बस आर्मी चेंज होती है। तो मैंने जो आपको आर्मी बताई वही आर्मी आप ले जाके यही स्ट्रैटेजी अलग अलग बेस पे यूज़ कर सकते हैं फनल बना के बस, और इसमें कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, इजी चीज़ है, तो ये आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यार बस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर यार ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ एक लाइक मेरे लिए छोड़ दो और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ क्लैश ऑफ क्लैंस की हिंदी में आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। तो यार बस तब तक के लिए गुड बाय।